गाइस वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एनएफटी रिव्यू। तो आज की वीडियो होने वाली गाइस एनएफटी ए स्टार पे ए स्टार्टर इज अ बेसिकली एनएफटी गेम टू प्ले टू अर्न प्रोजेक्ट। आपने यहाँ पे एनएफटी गेम को प्ले करना है, प्ले करके आपने एनएफटी लर्न करनी है। जिस तरह मैंने अपने प्रोजेक्ट्स पे अपने चैनल पे पहले भी आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर किए हैं, आपके साथ वही प्रोजेक्ट दोबारा शेयर कर रहा हूँ। एक और अच्छा एनएफटी प्रोजेक्ट है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वेबसाइट का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को क्या मिल रहा है, अ मस्ट हैव एंट्रेंस फॉर वर्ल्ड वाइड गेमिंग मल्टी चेन प्रोजेक्ट एंड द बेस्ट रॉयल लॉन्च पैड फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने का प्रॉफिट क्या होगा। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको इसमें से पैसे निकालने के लिए और आप इसकी गेम को प्ले करते हो तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। तीन चीज़ें बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिसर्च करनी है, और तीसरा यह कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आपने आगे करना क्या है। तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले पॉइंट पे आते हैं तो पहले है कि आप इसमें इन्वेस्ट क्यों करोगे। बेसिकली ए स्टार्टर प्रोजेक्ट एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट प्ले टू अर्न प्रोजेक्ट जो है इसकी थीम बनाई गई है रॉय पे, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रेट। ठीक हो गया, आप जितना रेट जिसमें जितना इसमें इन्वेस्ट करोगे ना उतना आपको वापस मिलेगा, लेकिन टाइम क्या होगा, उसी टाइम जब आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उसी टाइम उसी दिन में आपको वापस मिल जाएंगी आपकी करेंसी। जो आपका जो ऊपर का प्रॉफिट होगा वो कल से अगले दिन से स्टार्ट होगा बनना, एक तो ये वजह होगी। दूसरी ये है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आप इसके स्टैटिक्स में जाओगे, इसके एनालिटिक्स, इसकी रिसर्च हिस्ट्री में जाओगे, आपको पता लगेगा कि प्रोजेक्ट के ओनर इसकी टीम मेंबर क्या है, कौन से प्रोजेक्ट्स उनके ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है जस्ट इसकी सक्सेसफुल इसको भी सक्सेसफुल करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ये लिखा हुआ मस्ट हैव एंट्रेंस फॉर वर्ल्ड वाइड गेमिंग मल्टी चेन प्रोजेक्ट एंड द बेस्ट रॉयल लॉन्च पैड। बेस्ट रॉयल लॉन्च पैड दिया गया अब तक का, डिस्कवर ना कर सकते हो आप यहाँ पे आगे। ए स्टार्टर रोड मैप आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गाइड करना क्या है कि इसके रोड मैप के ऊपर आना। रोड मैप बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। 2021 में उन्होंने लॉन्च पैड किया था, मेन फीचर्स क्या कर रखे गए, कम्युनिटी एंड एयर ड्रॉप इवेंट्स भी हुए थे, इनके इन्वेस्टमेंट्स एंड पार्टनरशिप्स, कॉइन मार्केट कैप लिस्टिंग, केवाईसी एनेबल्ड, आईडीओ ऑन डिफरेंट लॉन्च पैड्स, आईजीओ लॉन्च पैड एंड मार्केट प्लेस, मेन फंक्शंस देखे हैं, गेमी जोन विद डिफरेंट मिनी गेम्स गाइज, DEX एंड CEX लिस्टिंग, देन इनक्यूबेट मोर पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, गेम 2022 में Q2 में रखा गया, गेमी जोन फेस टू विद डिफरेंट मिनी गेम्स, NFT लैंडिंग, बोरिंग मार्केट प्लेस। उसके बाद आता है आपको, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको आगे क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे ए स्टार टोकन इकोनॉमी बताई गई है कि टोकन के नेम है ए स्टार्टर, टिकर है ए स्टार, टोटल सप्लाई आपको इतनी मिल जाएगी, जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट में कोई कमी पेशी तो नहीं छोड़ी जाती इसकी। यहाँ पे सप्लाई कर सकते हो, ह्यूज सप्लाई गाइज, आप यहाँ पे सप्लाई चेक करो, उसके बाद आपको खुद थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के काबिल है। स्टैंडर्ड बैप 20 टोकन है, प्रीशियस 18 है, प्रीसी या नेटवर्क बाइनास का है, स्टेक एंड रिवार्ड, स्टेक और रिवार्ड, स्टेक भी करो और रिवार्ड्स भी अर्न करो गाइस। स्टेकिंग एलोकेशन रिवार्ड्स भी रखे गए हैं, स्टेकिंग लिक्विडिटी पूल्स एंड गेमफाई, अच्छा आगे गेमिफिकेशंस एक्टिविटीज़ भी रखी गई हैं गाइस। गेमिफिकेशन अगर आप गेम्स में इंटरेस्ट रखते हो तो गेमर्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। व्हाट इज़ ए स्टार्टर, ए स्टार्टर इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च पैड दैट एक्यूरेट्स एंड लॉन्चेस वर्ल्ड क्लास क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऑन अ ग्लोबल स्केल बेस्ड ऑन अ कम्युनिटी सेंट्रिक मॉडल। आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है कि वर्ल्ड क्लास ट्रेड सेंटर पे बनाया गया प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हो या आप यहाँ से कुछ सेल करते हो तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ए स्टार्ट गेम्स टू फेयरली डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्टर्स विद इवन द स्मॉलेस्ट बजट बाय अलाइनिंग देम्स। यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को दी गई है गाइस। आप लोग अगर स्मॉल इन्वेस्टर हैं तो आप भी यहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए नहीं रखा गया प्रोजेक्ट, लेकिन प्रोजेक्ट में बहुत दम है। आप लोग खुद आगे पूछोगे इनसे देन आपको पता लगेगा, ये इसके टोकनॉमिक्स दिए हैं, टोकनॉमिक्स भी आप चेक कर सकते हो।
तो आगे चलते हैं इनकी कोर टीम से। कोर टीम बेसिकली प्रोजेक्ट की वो टीम होती है जो कि आप लोगों के सामने एक्सपीरियंसेबल बंदे शो हो रहे होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत हाई क्लास का होता है। तो यहाँ पे आपको उनकी कोर टीम भी शो हो रही है, आपने चेक कर लेना है, इनके बारे में रिसर्च करनी है, देन आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये हैं इनके एडवाइजर्स गाइज, अच्छा तो ये हैं इनके एडवाइजर। एडवाइजर्स भी बहुत मतलब कि आप रिसर्च करके यूज़ किया करो, ऐसे ना यूज़ करो। बैकर्स एंड इन्वेस्टर्स, आप भाई ना बात, बैकर्स और इन्वेस्टर्स कौन है इनके? बेसिकली आप चेक करो लॉन्च जून और लाइट हाउस एंड गो गेम एंड पोठा गाइस, ये तमाम इनके ब्लॉकचेन एंड इन्वेस्टर्स हैं। कम्युनिटीज एंड गेम गिल्ड पार्टनर्स भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स भी शो हो रहे हैं गाइस। ये तमाम प्रोजेक्ट्स इनके साथ कनेक्ट हैं, इनके साथ वर्क कर रहे हैं। और तो और इनके जो प्रोजेक्ट्स की स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़बरदस्त है गाइस। ये तमाम बड़े हाई क्लास के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनके साथ लिंक्ड हैं, इनके साथ कनेक्टेड हैं और इनके साथ आगे फ्यूचर में भी वर्क करेंगे। तो आप लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो गाइस आपको प्रॉफिट ये होगा कि आप लोगों को इन तमाम प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट लेने का या इनमें पार्ट लेने का मौका मिल सकता है। तो गाइस ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिहाज से, अगर आप लोग इसको वेल करना चाहते हो तो मिस मत कीजिएगा। एस्ट्रेटर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। तो यहाँ पे आप तमाम मिस्ट्री, आप तमाम यहाँ पे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट देख सकते हो। क्विक लिंक्स हैं यहाँ पे, होम एस्ट्रा टोकन, लाइट पेपर। अच्छा अब मैं आपको इसका एक लाइट पेपर भी दिखा दूँगा। लाइट पेपर भी बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का लाइट पेपर वाइट पेपर ही होता है। लेकिन आपको मैं बार बार कहता हूँ गाइस, इन्वेस्ट किया करो उसके बाद एस्ट्रेटर। अच्छा यहाँ पे आपने अपनी डाल देनी है मेल, ठीक हो गया। मेल के बाद आपको दिया जाएगा, मेल के बाद आपको दिया जाएगा देन कंटिन्यू कर देना आपने। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे आ गए हो इसका लाइट पेपर पर गाइस, इसको टोटली रीड कीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट को छोड़ो फिलहाल, इसके लाइट पेपर पे आओ, उसको रीड करो। बेसिकली आपको जो चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी वो आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। सीड प्राइवेट सेल के आईडियो आईजीओ रखे गए, आईडियो वाइट लिस्टेड है गाइस, वाइट लिस्ट जाके करो। मैं दिखा भी देता हूँ कि आपने वाइट लिस्ट में कैसे पार्ट लेना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी दी जा रही है, टाइम है अभी, आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ज़रा होशियार रहिएगा ज़रा। तो अच्छा मैं दिखा दूँ कि आपने आगे करना क्या है। ओके तो अब मैं दिखाता हूँ कि अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आई जी ओ आई डी ओ से सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन आपने एन एफ टी गेमिंग मार्केट हैज़ ग्रोथ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है गाइस। यहाँ पे टोटल गेम्स वर्चुअल वेल्डिंग बिल्डिंग्स एन एफ टीज कितनी देखेंगी, एन एफ टीज की तादाद बहुत ज़्यादा गाइस, 51 to 78 एन एफ टीज हैं यहाँ पे। टोकल टोकन्स दिए गए हैं यहाँ पे, ब्लॉकचेन्स भी अवेलेबल हैं, टोटल जेनरेस देन टोटल डिवाइसेस भी रखी गई हैं यहाँ पे, चेक कर सकते हो आप। उसके बाद आ जाते हैं बट गेम आर कनेक्टेड ऑन जस्ट अ फ्यू चेन्स, फ्यू चेन से भी कनेक्टेड है, इसको आपने रीड कर लेना है। इसके बाद आते हैं जी, देन आपको देखने को मिल जाएगा ये तमाम चीज़ें। देन वापस चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, अब मैं दिखाता हूँ कि इसका वाइट पेपर क्या है, वाइट पेपर भी दिखाना ज़रूरी है आपके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आईडियो वाइट स्टार्ट है इस तरह नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चमेंट। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट ट्विटर सब कुछ फॉलो कर लेना, टाइमलाइन आईडियो वायरलेस कंपेन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 3-5 मार्च और 14 मार्च वायरलेस विन अनाउंसमेंट 14 मार्च होगी, ज्वाइनिंग ए स्टार 15 मार्च 13 मार्च तक आप लोग इसमें पार्ट ले सकते हो गाइस। हरी अप गो, अभी 2 दिन पड़े हैं, आप लोग इसमें पार्ट ले सकते हो। आईडियो ए स्टार विल हैव 2 राउंड्स ऑफ वायरलेस, द फर्स्ट राउंड ऑपरेटेड इन द लॉटरी ऑफ फॉर्म वेयर लिफ्ट, अच्छा लॉटरी यहाँ जिन्होंने लगी थी उनकी चल रही है। देन आपने यहाँ पे अपनी मेल एड्रेस लिखनी है विच चेन इज
ए स्टार सपोर्टिंग इन द इनिशियल स्टेज, बाइनांस स्मार्ट चेन आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। देन आगे चलते हैं, तो आपने करना है व्हाट इज एवासी इज यूज्ड फॉर। अब आपने यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएमओ फीचर ऑन ए स्टार्टर फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टिंग वोटिंग ऑफ। यहाँ से आपने खुद एक आंसर देने हैं, ये तमाम आंसर आपने खुद देने हैं। देन आप इसका टेस्ट पास कर सकते हो, उसके बाद भी आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अर्निंग के लिए। तो क्या ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपने बस अपनी पिक्चर्स लगानी है, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, देन आपने बस फिल कर देना है। ओके, तो आगे आते हैं। तो आगे आप मैं दिखाता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। आगे आप लोगों के लिए गाइस जो दिया गया है वो है प्रोजेक्ट एक, जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर देनी है। अच्छा, अब लॉन्च पैड भी हो गया, ब्लॉक भी हो गया। ब्लॉक भी मैंने आपको दिखा दिया, आई थिंक ब्लॉक नहीं दिखाया तो मैं दिखा देता हूँ। इसका ब्लॉक भी अवेलेबल है ए स्टार का। ए स्टार ऑफिशियली ओपन आईडियो वाइल्ड लिस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली ओपन है वाइल्ड लिस्ट के लिए। आप अभी जाओ, अभी इन्वेस्ट करो, देन आप लोगों को पता लगेगा कि प्रोजेक्ट में कितना था। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीन को मिस मत करना, इसमें इन्वेस्ट कर देना, देन आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ओके गाइस, क्या आगे डी ऐप पर। डी ऐप पर आपने यहाँ से अपना कर लेना है मेटामास्क कनेक्ट। गाइस मेटामास्क कनेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से करनी है परचेजिंग करनी है, या यहाँ से आपने टोकन को सेल करना है या बाय करना। तो गाइस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लेकिन अगर बीच में से मिस कर दोगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों को कुछ मिले या ना मिले। तो बार बार कहते हो कि वीडियो को फुल वॉच किया करो, देन आप लोगों ने अगर लीव करना हो तो लीव करते करो। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है मेरे चैनल में तो कुछ नहीं कह सकता, आपकी मर्जी है। अच्छा, तो अनसपोर्टेड नेटवर्क प्लीज़ स्विच टू BSC। अच्छा, BSC पे करना ज़रूरी है गाइस। मेरा आई थिंक इथेरियम लगा हुआ है तो मैं इसको BSC पे कर देता हूँ। देन आपको मैं दिखाता हूँ के आगे क्या हो रहा है। ठीक हो गया, तो BSC हो गया, BSC कनेक्ट होगा, देन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा BSC में नेटवर्क शो हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कि अब आपने डी ऐप में करना है क्या। इन्वेस्टमेंट डील्स भी यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट डील यहाँ बाय आईडियो NFT डिफरेंट चेन्स पूल्स दिए गए हैं। स्टेक लिक्विडिटी के लिए पूल्स भी अवेलेबल, अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हो कुड नोट डे टेक नेटवर्क। अच्छा, तो यहाँ से आप स्टेकिंग भी कर सकते हो और आप बहुत कुछ कर सकते हो, ए स्वैप भी कर सकते हो, गेम फाइव जोन भी अवेलेबल है गाइस, गेम फाइव जोन भी आप कर सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डील्स में आते हो तो IDO डील, IGO, IEO तमाम डील्स भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, जिसमें आप लोग पार्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देन पूल्स आएंगे, पूल्स के बाद आपको माई अकाउंट आएगा, इसमें आपने बाय करनी है NFT, बाय कर सकते हो। आप लोगों ने अगर होल्ड करना है होल्ड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया तो अभी पूछ सकते हो आप। ध्यान आपके सामने ही है कि कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। ठीक हो गया ना गाइस, तो आपने भी इनके साथ ही जुड़ जाना है ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाए। मिलते हैं, आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया, अच्छा ट्विटर पे जाके इनको फॉलो जरूर किया करो गाइस। इनका ट्विटर, इनके सोशल मीडिया को फॉलो कर लिया करो, उस पर आपको पता लगता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है। बेसिकली आपको यहाँ पे ये चीज़ मिलती है कि इनके तमाम इवेंट्स की अपडेट मिल जाती है। ठीक हो गया गाइस, मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर आप लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो गाइस सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।